हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कनोला डिफेंस एकेडमी। आई एम शिवा मिश्रा। क्या हाल चाल है आप लोग का? सब बढ़िया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, है ना। अभी तक हमने तीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन डिस्कस किया, अब चौथे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कहता है, क्या कहता है कि कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन। अभी तक हमने तीसरे टाइप में देखा था कि अगर कोई कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी जो रेंज होती है या तो क्या करेगी, एक्सपेंड कर जाएगी, है ना, एक्सपेंड कर जाएगी या स्ट्रेच कर जाएगी या फिर क्या कर जाएगी, कंप्रेस कर जाएगी, है ना। यही बात पढ़ी थी हम लोगों ने इससे पहले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो गया किसी कांस्टेंट का, जैसे कि y is equals to 2 sin x, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे पूरे sin x में हो रहा है। sin x एक फंक्शन है, 2 का मल्टीप्लाई पूरे पूरे sin x में हो रहा है। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि अगर y is equals to sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा। मतलब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, x में मल्टीप्लाई हो रहा है, x में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर पूरे पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ सिर्फ x में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो y बराबर f ऑफ ए एक्स टाइप का फंक्शन है जिसमें x में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, तो फंक्शन क्या चेंज लाएगा अपने कर्व में, है ना, ये हम पढ़ते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यही साइन एक्स हम डिस्कस करेंगे कि वाई बराबर साइन टू एक्स का ग्राफ मान लीजिए हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ तो सबको आता है ना। जब साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है तो साइन टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसी तरीके से बनाएंगे। देखो इसमें होता क्या है, आप देखना जरा, हमें पता है कि साइन जीरो कितना होगा, जीरो। साइन नाइन्टी मतलब पाई बाई टू वन होगा। साइन पाई कितना होगा, अच्छा चार ही लेते हैं, चार पांच ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। साइन पाई जीरो, साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, सबको पता है ना माइनस वन होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन टू पाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये सबको पता है ना। साइन टू पाई जीरो नॉट वन, साइन टू पाई इज जीरो, है ना, हर एन पाई पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो अब देखिए जरा, साइन जीरो जीरो है तो साइन टू एक्स कितना होगा, जब साइन एक्स बराबर जीरो पुट करोगे तो टू एक्स भी जीरो ही होगा, है ना। तो मतलब यहां से अगर शुरू करें तो ये तो जीरो पे ही रहेगा। साइन जब पाई बाई टू पुट कर रहे हैं तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब एक्स की जगह पर अगर पाई बाई टू पुट करोगे तो एक्चुअल में ये पाई बन जाएगा क्या, टू मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई टू, है ना। अगर इस ग्राफ को बनाना है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, यहाँ कहीं इधर टू पाई होगा मान लेते हैं, बीच में थ्री पाई बाई टू भी हो। अब देखो जब साइन पाई बाई टू पुट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, साइन पाई आ जा रहा है। अगर साइन पाई बाई फोर पुट करोगे, पाई बाई फोर पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर दैट इज पाई बाई टू, है ना। तो एक्स एक्सिस में ये ग्राफ देखो, जब पाई पुट करोगे, x बराबर पाई पुट करोगे तो ये 2 पाई बन जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं आप लोग कि ये जो ग्राफ है ये 0 से पाई के बीच में ही कंप्लीट हो गया, कहां कंप्लीट हो गया, 0 से पाई के बीच में ही कंप्लीट हो गया, आधे में ही कंप्लीट हो गया ग्राफ, है ना, 2 पाई तक नहीं पहुंचे, 0 से पाई के बीच में ही कंप्लीट हो गया। मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया x एक्सिस की डायरेक्शन में। 0 से 2 पाई तक जो साइकिल कंप्लीट हो रही थी वो 0 से पाई में ही कंप्लीट हो गई, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 पाई का आधा हो गया, है ना, ये 0 से पाई में ही कंप्रेस हो गया ग्राफ। अगर मान लीजिए 4 टाइम्स कर देते, साइन ऑफ 4x का ग्राफ बनाना है तो 2 पाई के 4 अपॉन 4 कर दो, 2 पाई अपॉन 4 मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही ग्राफ क्या हो जाता, पूरा कंप्रेस कर जाता,
है ना। जैसे देखते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या होगा, देखो x एक्सिस y एक्सिस, जी यहाँ 2π, तो जितने में ग्राफ की एक साइकिल कंप्लीट होती है जनरल में y बराबर साइन x की जो साइकिल है वो 2π, 0 से 2π में कंप्लीट होती है। 0 से शुरू होती है, एक बार ऐसे एक राउंड नीचे, है ना, तो 0 से 2π में ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब ये साइकिल पूरे का 1/4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2π/4, दैट इज π/2, 0 से π/2 में ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब इसी के बीच में ये जो ग्राफ है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए आप लोग। तो जब किसी कांस्टेंट का x में मल्टीप्लाई हो जाए तो आप समझ लीजिए कि x एक्सिस में ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर यही साइन ऑफ एक्स बाई टू का ग्राफ बनाना होता तो ये स्ट्रेच हो जाता ग्राफ, ये क्या होगा ग्राफ, स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ, ये किधर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई यहां पर क्या होगा, 2π से हम डिवाइड कर रहे थे ना, जो भी 4 था, तो यहां पर जब डिवाइड करोगे तो 4π आएगा, 2π डिवाइडेड बाई 1/2 करोगे तो दिस इज 4π। अब जो साइकिल कंप्लीट होगी वो 0 से 2π के बीच में नहीं, 0 से 4π के बीच में कंप्लीट होगी। कैसे, देखिए जरा, y इज इक्वल्स टू साइन x बाई 2 का ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ कहीं 4π है, ठीक है, यहाँ 2π है, यहाँ 3π होगा, यहाँ π है, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ कंप्लीट होगा पूरा साइकिल, वो कहां से कहां तक बनेगा, फोर पाई तक बनेगा, है ना। तो ये जो ग्राफ पूरा 0 से 4π तक कंप्लीट होगा जब a क्या हो गया, लेस देन 1 हो जाएगा, जब a क्या है, लेस देन 1 होगा, तो इस केस में ग्राफ क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, ठीक है। और जो है जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ क्या करेगा, कंप्रेस कर जाएगा, समझ में आया, अलोंग x एक्सिस में कंप्रेस करेगा और स्ट्रेच करेगा जब x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा। थैंक यू सो मच।